अगर आप डॉक्टर, ऑडिटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्रांड एम्बेसडर, आर्टिस्ट इनमें से कोई एक है तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम TDS के नए प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे और ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। मीनिंग ऑफ सेक्शन 194R। बजट 2022-2023 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, दैट इज सेक्शन 194R। ये कहता है TDS 10% डिडक्ट करा जाएगा अगर पर्सन कोई भी बेनिफिट्स और परक्यूजेस प्रोवाइड करता है टू रेसिडेंट पर्सन को जिनकी वैल्यू इन वन ईयर 20,000 से एक्सीड होती है और जो अराइज होती है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ सच रेसिडेंट। Let's try to understand section 194R of the Income Tax Act 1961. सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि section 194R को introduce करने का purpose क्या था। बहुत सारी companies expenses claim करती है for business promotions by offering various gifts, perks, benefits for its dealers under section 37 of the Income Tax Act 1961. हालांकि मेजॉरिटी डीलर्स ने अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ऐसे गिफ्ट्स, पर्क्स, बेनिफिट्स को एज अ बिजनेस इनकम डिक्लेयर नहीं किया है। इसीलिए ऐसे गिफ्ट्स, पर्क्स, बेनिफिट को लाने के लिए जो रेसिडेंट डीलर को बिजनेस कनेक्शंस की वजह से मिले TDS अंडर सेक्शन 194R की शुरुआत अनडिक्लेयर्ड इनकम को ट्रैक करने के लिए करी गई है। तो सेक्शन 194R अफेक्ट किसे करने वाला है? जनरली सेक्शन 194R सारे SSCs को कवर करता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ट्रांजैक्शंस विद डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल पार्टनर्स, टीमिंग बेसिस ऑन इंसेंटिव्स गिवन बाय थर्ड पार्टीज टू कंपनीज, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, ऑडिटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और आर्टिस्ट्स। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी? सारे SACs को अदर देन इंडिविजुअल्स और HUF। एंड इंडिविजुअल्स एंड HUF जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 और द असेसमेंट ईयर 2022-23। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194R 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा इरिस्पेक्टिव कि क्या बेनिफिट, क्या प्री रिक्विजिट टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे इन दी हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। एज सच फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो भी बेनिफिट्स और प्री रिक्विजिट प्रोवाइडेड है 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक वो सारे 20,000 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर किए जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट और परक्यूजेस। वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए फेयर मार्केटिंग वैल्यू को यूज़ किया जाता है ऑफ द बेनिफिट्स और परक्यूजेस जो रेसिपिएंट को दिया जाता है। हाउएवर अगर बेनिफिट्स और परक्यूजेस को परचेस करते हैं रेसिपिएंट को प्रोवाइड करने से पहले तो वैल्यूएशन का बेस होगी उसकी परचेस प्राइस। और अगर बेनिफिट और परक्यूजेस मैन्युफैक्चर होता है तो जो प्राइस कस्टमर से चार्ज होता वो वैल्यूएशन का बेस होना चाहिए। स्पेशल पॉइंट्स। TDS डिडक्शन के पर्पस से GST को ऐसे बेनिफिट्स और परक्यूजेट की परचेस वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सक्लूडेड रखा है। इसी तरह के गिफ्ट्स, पर्क्स और बेनिफिट्स कुछ स्पेशल ओकेशंस जैसे फेस्टिवल्स, जैसे कि दिवाली, स्वीट्स, मैरिज ओकेशंस, शादी पर प्रोवाइड किए जाते हैं में नॉट बी लाइबल फॉर TDS क्योंकि सेक्शन 194R केवल उन बेनिफिट्स और परक्यूसेज को कवरिंग करने पर कंसीडर कराता है विच अराइज आउटसाइड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 194R में जो बेनिफिट और परक्यूसेज रिफ़र किए हैं वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 अंडर द हेड सैलरी इनकम में रिफ़र किए गए परक्यूसेज नहीं है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कॉमेंट डाउन योर व्यूज एंड मेक द वीडियो useful for your business or profession too.